वडोदरा शहर जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से कल एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। दरअसल बांधकाम के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दामों में काफ़ी इजाफा किया जा रहा है, जिसके चलते सभी कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी परेशान हैं। पहले ही कोरोना के चलते डेढ़ दो सालों से कॉन्ट्रैक्टरों को व्यापार काफ़ी कम मिल रहा है। ऐसे में जो चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उससे कॉन्ट्रैक्टरों को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते गुजरात के सभी कॉन्ट्रैक्टरों की ओर से इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और इस मीटिंग के तहत वडोदरा शहर जिला के कॉन्ट्रैक्टरों ने ये फैसला लिया है कि आने वाले कुछ वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर का बहिष्कार किया जाएगा, और अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगों का स्वीकार नहीं किया तो फिर ये सभी कॉन्ट्रैक्टर आगे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आज नी मीटिंग नो मुख्य एजेंडा जे भाव असह्य वधी गयो छे 30-35%, एनी सामे अमे सरकार में रजूआत करी छे जीसीए तरफ थी, पण एनो कोई व्याजबी प्रतिसाद मळ्यो नथी। जे बाबते तारीख 3 रोज अमदावाद में मीटिंग योजवामां आवी, ए मीटिंग में सर्वानुमते नक्की करवामां आव्युं छे कि तारीख 8 થી કોઈપણ પ્રકારના ટેન્ડરો સરકારના હોય, નગરપાલિકા કોર્પોરેશનના હોય, કોઈપણ ટેન્ડર ભરવા નહીં, એ બાબતે અમે લોકલ બરોડાના દરેક કોન્ટ્રાક્ટર જિલ્લાના અને કોર્પોરેશનના બધાની મીટિંગ લીધી, સર્વાનુમતે ઠરાવ કર્યો કે તારીખ 8 કોઈપણ પ્રકારના નાના મોટા ટેન્ડર કોઈપણ કોન્ટ્રાક્ટર ભરશે નહીં। આ જ અમારો મુદ્દો હતો, આજનો આ મુદ્દા પર મીટિંગ યોજી હતી। તારીખ 3-1-2022 રોજ गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशने अमदावाद मुकामें मीटिंग राखेल हती। अमारा गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशने सरकार में छेल्ला 36 दिवस थी वारंवार भाव वधारानी रजूआत करता, ए सिवाय अमारा घणा प्रश्नों होवा छता सरकारे अमोने कोई वाटाघाटो करवा न बोलावता गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नक्की कर्युं के सरकारनी सामे कामो बंद न करवा, पण सरकारना तमामे तमाम PWD जिला पंचायत हुडा औवड़ा दरेकना टेन्डरों बहिष्कार करो, एना नेजा हेठ वडोदरा जिला शहर जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आज थी तारीख 8-1-2022 थी टेन्डर समग्र डिपार्टमेंटना टेन्डरों बहिष्कार करवा जई रह्यु छे। ए दरमियान सरकार अमारी बात ने वाचा न आपे तो बीजा 15 दिवस पछी गुजरात एसोसिएशन जे आदेश करशे ए प्रमाणे हमारी हमें कामगिरी चालू राखीशुं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।